हेलो मेरे प्लांट्स लवर, स्वागत है आपका टिंकू की दुनिया में। फ्रेंड्स, मेरे घर में ये कुछ प्लेटें पड़ी थी इस तरह की प्लास्टिक की, जो किसी यूज़ की नहीं है। देखिए, ये प्लास्टिक की प्लेटें हैं, इसमें हम गरम खाना वगैरह नहीं खा सकते हैं। ये मुझे कहीं से मिली थी, कुछ कपड़े वगैरह परचेस किए थे उसमें, तो मैंने सोचा इसकी मैं कुछ पेंटिंग करके होम डेकोरेटिव कुछ आइटम बनाया जाए। तो आज मैंने जो ये बनाया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेट को लेके उसमें अच्छे से पेंट कर देना है हमने। डबल कोट कर रही हूँ मैं, और मैंने इसको पेंट करने के बाद अच्छे से सुखा लिया है। सुखाने के बाद इसमें मैंने पेंसिल की मदद से कुछ भी ड्रॉ, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। मैंने ये पहाड़ी कपल ड्रॉ किए हैं। उसके बाद मैंने एक्रेलिक कलर का यूज किया है इनको पेंट करने के लिए। पेंटिंग में मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट बचपन से ही मेरी पेंटिंग थोड़ा ठीक ही रही थी, अच्छी थी पेंटिंग, और शौक भी काफी था। तो बचपन में तो काफी बनाई है ऐसी चीजें, तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वही था कि बचपन की मैं करा था ये चीज, तो अभी उतनी परेशानी नहीं हुई। थोड़ा ब्रश चलाने में पहले से थोड़ा दिक्कत आ रही थी, फिर भी काफी सही बन गया। अब आप देखते जाइए मैंने किस किस तरह से ये बनाया है। काफी टाइम से सोच रही थी कि इन प्लेट्स पे कुछ बना लूं, तो आज मैंने सोचा इन्हें बना ही लेती हूँ। आपको कोई भी पिक्चर बनानी है डायरेक्ट कलर से ना बना के पहले आप पेंसिल से जरूर बना लें। उससे क्या होगा, फिनिशिंग प्रॉपर आएगी, क्योंकि कोई भी कितना भी एक्सपर्ट हो तो डायरेक्ट तो बहुत कलाकार ही बना सकते हैं, अदरवाइज तो हम जैसे तो पहले पेंसिल का ही यूज करेंगे। और हाँ, पेंसिल कहीं पे गलत होती है तो आप इरेजर से मिटा भी सकते हैं, कोशिश करिए बन जाएगा। बस पेंसिल थोड़ा लाइट चलाइए, बहुत डार्क मत चलाइएगा। अगर किसी चीज को करने की हम कोशिश करते हैं ना, और ठान लेते हैं कि ये चीज करनी है, तो हो जाती है। जैसे हम किसी को देखते हैं तो ऐसे लगता है नहीं नहीं ये हमसे नहीं बनेगी, बट आप ब्रश और पेंसिल और कलर लेके तो बैठिए, आप देखिएगा। मेरा मानना है कि आप बना ही लेंगे, चाहे देख के बनाइए, गूगल से सर्च करके बनाइए, बट बनाइए। क्योंकि गार्डनिंग के साथ साथ ये डेकोरेशन की चीजें बना के आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, तो काफी अच्छा लगता है इससे गार्डन, थोड़ा कलरफुल लगता है, और घर के अंदर भी लगा सकते हैं। और जितनी हमें गार्डनिंग करके खुशी मिलती है ना, उतना सच में जब हम कलर करने के बाद उस कलर को जो कंप्लीट होता है उसको देखते हैं कि हाँ ये हमने बनाया है, उसकी खुशी ही अलग होती है। सच में बोल रही हूँ, मेरे को बनाने के बाद ये चीजें, कोई पॉट बना लेती हूँ चाहे वो कैसा भी बने, बट मुझे अच्छा लगता है वो, तो मैं बनाती हूँ। इसीलिए आप भी कोशिश करिए बनाने की, ये नहीं कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि बनाएंगे, पहली बार गलत बनेगा, दूसरी बार सही होगा। बस ये है कि कोई जज करेगा कि अरे ये तूने ठीक नहीं बनाया, ये तेरा गलत हो गया, बट नहीं, आपने बनाते जाना है और कभी ना कभी आपका ठीक बनेगा। कैसा भी बने, वो जब आप उसको लगा देते हैं तो वो सुंदर ही लगता है। और इस तरह की चीजें बनाने से जो घर में पड़ा कबाड़ होता है, जिसका कुछ यूज नहीं होता, जिसे हम फेंक देते हैं, कबाड़ी को दे देते हैं, अभी दिवाली आने वाली है उस समय हम बेच देंगे इन चीजों को, तो इनका यूज भी हो जाता है और कबाड़ कम भी हो जाता है। ऊपर से प्लास्टिक भी आपको पता है इतना बड़ा है, प्लास्टिक कम हो जाएगा। ये प्लास्टिक की ही प्लेट थी, तो मैंने कहा पड़े पड़े खराब हो रही थी तो इसको पेंट कर लेते हैं। इस तरह से आपके पास भी होंगी, बहुत लोगों के पास पड़ी रहती हैं, उसमें बना लीजिए। डिस्पोजल में बन सकता है इस टाइप का। मैंने एक बार पहले डिस्पोजल में भी ऐसी तरह की पेंटिंग करी थी। ये है कि वो थोड़ा टाइम बाद खराब हो जाता है डिस्पोजल। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज ट्राई करनी चाहिए, किसी को देख के बना सकते हैं हम, कि इसने बनाया तो हम भी करें इस चीज को, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई बना रहा है तो हम भी बना सकते हैं इस टाइप से, तो ट्राई करते रहना चाहिए। और बातों बातों में देखिए आधी से ज्यादा मेरी पेंटिंग पूरी भी हो गई है। और ये जो मैंने बनाए हैं, ये गूगल से सर्च करके पहाड़ी कपल बनाए हैं। पहाड़ी कपल जो मैं ये डॉट डॉट कर रही हूँ, तो ये हमारे यहाँ रंगवाली पिछौड़ा बोलते हैं इसको, बट ये येलो कलर का होता है, उसमें रेड डॉट होते हैं,
तो मैंने इसका बेस, मेरे पास येलो कलर पड़ा था तो मैंने येलो कर दिया था, तो इसलिए मैंने इसमें रेड में येलो कलर के डॉट करे हैं। तो इसको रंग वाले पिछौड़ा पहनाया है। और ये जो कैप मैं बना रही हूँ, ये हमारे यहाँ पहाड़ी में चलती है, आपने देखी होगी, हिमाचली कैप भी बोलते हैं इसको। तो ये मैंने पहाड़ी कल्चर के हिसाब से लड़का लड़की बनाए हैं, कपल एक जोड़ा बनाया है जो वेलकम कर रहे हैं। इसमें मैं लिखूंगी, आगे आपको बताऊंगी कि क्या लिखूंगी, आप खुद ही देख लीजिएगा। और जो लड़की है उसके फेस पे मैंने नथ बना दी है, नथ पहना दी है उसे। नथ हमारे वहाँ गहनों में बहुत कंपलसरी होती है। जो मैरिड लड़कियाँ होती हैं, लेडीज होती है मैरिड, वो नथ जरूर पहनती है हमारे वहाँ। और मैंने इस पे लिखा है पैलाग। पैलाग की मीनिंग है नमस्कार, प्रणाम। अलग अलग भाषा में बोलते हैं, जैसे जैसे नमस्कार नमस्ते ये तो कॉमन है, तो पैलाग हमारे यहाँ पहाड़ी में किसी को प्रणाम बोलना है, संबोधन करना है कि प्रणाम, तो नमस्कार का मतलब प्रणाम हो का मतलब पैलाग होता है। तो मेरे को पैलाग सही लगा वर्ड, तो मैंने पैलाग लिख दिया है। स्टार्टिंग के 3 लेटर तो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं और लास्ट के हिंदी में लिखे हैं, तो थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा था देखने में, शायद बहुत को पढ़ने में भी ना आए ये, बट मुझे अच्छा लगा। और मेरे पास ये लेस बची हुई थी, क्योंकि मैंने जो भी घर पर पड़ा है सामान उसी से इसे बनाया है। सोच रही थी इसमें सीसे लगाऊंगी, बट सीसे मेरे पास थे नहीं मिरर, तो मैंने ये बची हुई लेस थी जो बहुत टाइम पहले मैं लेके आई थी कुछ क्राफ्ट के लिए, तो वो मैंने इसमें फेविकॉल की मदद से अच्छे से चिपका दी, क्योंकि लेस काफी क्वांटिटी में मेरे पास पड़ी है, क्योंकि क्राफ्ट वगैरह बनाते रहते हैं तो उसमें काम आ जाती है। और उसके बाद लास्ट में इसको अच्छे से मैंने टिच कर दिया है। तो फ्रेंड्स, बनकर रेडी है ये मेरे पहाड़ी कपल जो मैंने बनाए हैं। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन तो पक्का से दबाइएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।